छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने 27 से 29 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर मीडिया से आज मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता देने को लेकर गोलमोल जवाब देते दिखे। अमरजीत ने सीधे तौर पर अपनी जवाबदारी को विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी पर थोप दिया। पीएम को न्योते के सवाल को मंत्री टालते भी नजर आए। पत्रकारों के बेहद दबाव के बाद मंत्री भगत ने कहा कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मुख्य अतिथि होना है। ऐसे में पीएम मोदी को महोत्सव में शामिल होना उनके प्रोटोकॉल को सूट नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जिनसे आने की सहमति मिली थी उन्हें निमंत्रण दिया गया है। मंत्री ने अपने बचाव में कहा कि इस संबंध में पीएम मोदी से कई मर्तबा समय मांगा गया, लेकिन पीएम मोदी के पास समय ही नहीं है। इतना ही नहीं, मंत्री साहब जब सवालों में फंसने लगे तो उन्होंने इस पर विवाद न करने की सलाह भी दे डाली। नहीं, उसमें जिनका तय हुआ है, किन्हीं को हम बुलाते हैं तो उनसे बात होता है, जिनका सहमति मिलता है उन्हीं को तो आप रखेंगे ना। देखिए, हम जिनको तय किया गया था उनको दिया गया है, जिनसे बात हुई उनको उसके अनुसार शेड्यूल बना है। जो भी आमंत्रण की जिम्मेदारी थी विभाग को हमने दिया था और उसके अनुसार सबका शेड्यूल बना था। मैं अपने संस्कृति सचिव जो हैं, क्या नाम उनके, परदेसी को हमने उसके लिए डिपुट किया था कि दिल्ली में जो भी आमंत्रण बांटना है उनकी जवाबदारी थी, और जहाँ जहाँ उनको समय मिला, जिनसे उनका संपर्क हुआ, उनको उन्होंने आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री जी माननीय राहुल गांधी जी हमारे मुख्य अतिथि के लिए हम लोगों ने पहले तय उनसे सहमति मिल गया था, और उनके मुख्य अतिथि में वो उनके उसमें कार्यक्रम में बैठेंगे क्या, ये प्रोटोकॉल में शूट करेगा। हम आपको बताना चाहते हैं, हम इसको विवादित नहीं करना चाहते हैं। हम तो पहले भी प्रधानमंत्री जी से कई बार समय मांगा है, समय वहाँ मिलता नहीं है, तो हम उसके बारे में आगे जिनका ड्यूटी लगाए थे अब वो बता पाएंगे क्या हुआ। अभी समापन का जो अभी हमारा शेड्यूल है फाइनल नहीं हुआ है। संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित महोत्सव में पीएम मोदी को निमंत्रण नहीं देने का मामला तूल पकड़ लिया है। मंत्री भगत के बयान के बाद भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि आदिवासी महोत्सव प्रदेश में किया जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं इतने बड़े प्रोग्राम में पीएम मोदी को न बुलाकर छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे कार्यक्रम का कांग्रेसीकरण कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में स्थान नहीं दिए जाने से सरकार की चाटुकारिता दिखने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव होना चाहिए, बिल्कुल इसका स्वागत है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप देश में सारे नेताओं को बुला रहे हैं, राहुल गांधी जी को बुला रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो दलगत राजनीति से ऊपर हट के होनी चाहिए। देश के सबसे बड़े यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री, आप उनको नहीं आमंत्रित कर रहे हैं, आप 15 साल के पूर्व मुख्यमंत्री को आमंत्रित, ये आपकी पार्टी की दुर्भावना है जो पूरी तरह से आज परिलक्षित हो रही है। आदिवासी वर्ग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने अनेकों ने योजनाओं की सौगात दी, कई जिलों का निर्माण किया। राजनीति में इस तरीके के ये निचले गिरते हुए स्तर को कांग्रेस पार्टी के मंत्री कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर आदिवासी वर्ग भी इस बात को लेकर काफ़ी रोष आहत है। अगर प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया जाता तो निश्चित तौर पर आदिवासी वर्ग में भी काफ़ी खुशी और हर्ष का माहौल होता, लेकिन ऐसा लगता है कि इस पूरे महोत्सव को मात्र कांग्रेसीकरण किया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, सरकार की पूरा फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से पूरे कार्यक्रम को कांग्रेसीकरण जो किया जा रहा है, ये काफ़ी चिंता का और दुख का विषय है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जनता इनको बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। सीधा सीधा अपमान है, चाटुकारिता की पूरी तरह से परिकाष्ठा यहाँ पर मंत्री जी ने पार कर दी है, और एक देश एक संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति को इस प्रकार कृत्य करना शोभा नहीं देता। फिलहाल संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के बयान के बाद पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। पीएम को आमंत्रण नहीं देना राजनीति मानी जा रही है, वहीं निमंत्रण के मामले में मंत्री ने अपने बचाव करते हुए सारा ठीकरा संस्कृति विभाग के अफसर पर फोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।